निर्वाचन आयोग ने देश के 2 लोकसभा और 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव कराने की घोषणा की है। 14 विधानसभा क्षेत्रों में झारखंड का एक मधुपुर विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। मधुपुर विधानसभा का मतदान 17 अप्रैल को होगा, वहीं 2 मई को मतों की गणना की जाएगी। आपको बता दें कि मधुपुर में 487 बूथों पर मतदान होने हैं, जिसकी जानकारी देवघर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से पीसी कर दी। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि उपचुनाव को लेकर सभी कोषांगों का गठन किया जा चुका है। वहीं एसपी के मुताबिक मधुपुर उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां की जा चुकी हैं और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने को लेकर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। 13 मधुपुर निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव घोषणा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आज शाम को किया गया है और मतदान जो होगा वो 17 अप्रैल को होगा और काउंटिंग जो है 2 मई को होगा। तो उसके लिए आवश्यक जितने भी तैयारियां हैं हम लोगों ने कर दिया है, सारे कोषांग का गठन पहले से ही हुआ है। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजीत जुड़ चुके हैं। रंजीत, भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी है, इस घोषणा के बाद क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं वहां पर? जी, मैं आपको बता दूं कि मधुपुर निर्वाचन क्षेत्र 13 संख्या के उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी है। घोषणा के साथ ही देवघर उपायुक्त मंजुनाथ भंसरी ने देवघर जिले में आचार संहिता लागू कर दिया है और इसके साथ ही सभी कोषांग जितने भी चुनाव को लेकर कोषांग गठित किए गए थे, जो तैयारी की जा रही थी उसको पूरा एक्टिव कर दिया गया है। और साथ ही एसपी ने भी संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था के साथ ही ये चुनाव कराया जाएगा। और मैं बता दूं कि 17 अप्रैल को मतदान होने हैं इस उपचुनाव को लेकर और वहीं 2 मई को मतगणना किया जाएगा और उन प्रत्याशियों का जो आएंगे, जो नामांकन दाखिल करेंगे, उनकी घोषणा 2 मई को फिर की जाएगी और उसी को लेकर सभी तैयारी जिला प्रशासन कर रही है। देवघर उपायुक्त और एसपी सामंजस्य मिलाकर सारी तैयारी कर रही है और एसपी ने कहा कि सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, साथ ही बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा और जितने भी असामाजिक तत्व हैं उस पर नकेल कसा जाएगा। जी जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि उपचुनाव की घोषणा हो गई है मधुपुर में और इसे लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और साथ ही साथ असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए भी प्रशासन तैयार है।